मान्या के दिमाग में नारे गूंज रहे हैं, आजादी के नारे। अचानक खुद को वो आईने में निहारती है। क्या कमी है मुझ में, खूबसूरत भी हूं और पढ़ी लिखी भी, लेकिन एक कमी है, क्या सिर्फ यही कि मैं धैर्य को बेटा नहीं ले पाई। उफ, ऐसी सोच से, ऐसे दुबलेपन से घिन आती है मुझे। अभी अभी इतने लोगों ने एक साथ देश की आजादी के लिए झंडा फहराया है, पर क्या सच में उनके ख्याल आजाद हैं? नहीं, बेटों बेटियों में फर्क आज भी नहीं मिटा है। जब धैर्य जैसे युवा लड़के ये सोचने लगे तो फिर क्या कहना। अचानक ये सोचते सोचते मान्या की आंखों के कोरों से आंसू छलक आते हैं। वो रुमाल ढूंढते हुए पीछे पलटती है। अचानक सामने बिस्तर पर सोई उसकी दो प्यारी प्यारी बेटियों पर उसकी नजर जाती है, अनायरा और कियारा। कितनी खूबसूरत लग रही हैं दोनों, मुस्कुराते हुए सोते। इसमें इनकी क्या गलती, ये तो एक घड़े, कच्चे घड़े की तरह है ना। इनको जैसा शेप देंगे ये वैसा निखरेंगी। मैं अपनी बेटियों को बिल्कुल उस तरह नहीं बनाऊंगी जैसे आज का समाज अपनी बेटियों को देखता है। मैं उन्हें एक आजाद ख्याल का पक्षी बनाऊंगी जो कहीं भी, कभी भी और किसी भी हाल में, किसी भी हद तक उड़ सकती है, अपने पंखों को उड़ान दे सकती है और क्षितिज के साथ अपने पंखों की होड़ा होड़ी कर सकती है। मैं क्यों बनूं धैर्य, या मैं क्यों बनूं उसकी माँ जैसी। उसकी माँ, हाँ, मेरी सास, जो खुद बेटी थी, औरत है, उसके बावजूद लड़कियों की कदर नहीं पता उन्हें। आजाद होइए, अगर आजादी मनाते हैं तो सच में आजाद होइए। इंडियन वॉइस लवर्स पर आपने सुनी छोटी सी कहानी अंकिता की जुबानी। इंडियन वॉइस लवर्स ये मौका आपको भी देना चाहता है। जी हाँ, सही सुना, इंडियन वॉइस लवर्स ये मौका आपको भी देना चाहता है एक प्रतियोगिता के माध्यम से। आपके विचार आपकी आवाज, जी हाँ, आपके विचार आपकी आवाज सीरीज के तहत इंडियन वॉइस लवर्स एक अनोखी प्रतियोगिता कराने जा रहा है, जिसमें आपको अपने ही द्वारा, अपने ही शब्दों में एक छोटी सी लघु कथा लिखकर अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हम तक पहुंचानी है। तो तैयार हो जाइए अपने विचार अपनी आवाज में हम तक पहुंचाने के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, जिस पर आप फॉर्म भरना न भूलें। इसकी अंतिम तिथि 30 अगस्त 2022 है। धन्यवाद।